जैसे 2.7 क्वेश्चन में 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 5 से स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। तो क्वेश्चन में 5 है आपका, ट्वेंटी सेवन किसका क्यूब है, 3 का, पावर्स ऐसी आ जाएंगी। 8 किसका क्यूब है, 2 का, यानी 2 को 3 से नहीं करना है, 2 को 3 दफ़ा करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -n/3। 18 किसी का रूट नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो फिर ऐसे करेंगे, क्यों, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, पावर अप्लाई कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये पावर दोनों पे अप्लाई हो रही है ना, जो रिमेनिंग बच जाएगा उस पर ऐसे लिखेंगे, 2 पे आ जाएगा -n/2, और 3 के लिए कैंसिल हो जाएगा, -n बचेगा। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, बता चुकी हूँ पहले भी, -n है ऊपर ले जाइए +n, -n है ऊपर ले जाओ +n/2, तो ये तो हो जाएगा 3n, क्योंकि 2 और 1 प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रफ वर्क में कर लेंगे। जब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम इसका आएगा 2, यहाँ पे 1 है कुछ नहीं है, तो 1 2 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, 1n माइनस प्लस माइनस साइन बड़े की आती है, माइनस आएगा n/2, तो ये जाएगा -n/2, ये ऐसी रहा, ये माइनस में इसके नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 वाला क्यों छड़वा रही हूँ, इसलिए कि क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 सब सेम है, तो ये वाले और मुश्किल हैं, ये वाले करवा दूंगी, तो इसके मेथड के जरिए आप ये वाला खुद सॉल्व कर सकते हैं। 7 शुरू कर रहे हैं, 7 में square root of 4 है, 6 सबकी सेम है, पावर प्लस में ऊपर ले जाओ माइनस में हो जाएंगी। 6 इसका मतलब क्या है, 1/4, इससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, x/4 -y/4, y/4 -r/4, r/4 -x/4, बेसिस सेम है, सब पावर एक साथ आ जाएंगी, प्लस y/4 -r/4 प्लस r/4 -x/4, जो चीज़ें ऑपोजिट साइन की हैं टर्म्स उनको हम कट कर सकते हैं, ये +x/4 है, ये माइनस है, कैंसिल, माइनस और प्लस और कुछ सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, a की पावर बचेगी 0, और जब भी किसी चीज़ की पावर 0 होती है वो बराबर होता है 1 के, 1 हो जाएगा इसका आंसर।